बचपन में की हुई चीज थी, तब समझ कुछ आता नहीं था, और अब जब करनी है तो ये लोग जाने नहीं देते। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। यू आर वॉचिंग पूजा रिपोर्टिंग लाइव, और आज है 10th of December और संडे मॉर्निंग है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और हमारे यहाँ ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। तो हमारे यहाँ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, जो लास्ट टाइम आई गेस कोविड से पहले हुई थी, और वहाँ पे इतनी क्राउड आई हुई थी। इसके लिए मैं इस बार गाड़ी लेके भी जा रही थी, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलता है। हालांकि उसके बाद मेरे को और भी सामान वामान लेने थे, बट फिर मैंने सोचा कि गाड़ी वाड़ी नहीं लेते, बाद में लेके जाते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल, हैप्पी का है? प्रोग्राम चालू है गाने। हाँ, उधर स्वेट ऑन स्ट्रीट चल रहा है ना। हमारे यहाँ पे ना ये अंकल के एक छोटा डॉग है बीगल, वो गुम गया है, तो हम पहले हैप्पी को ढूंढ लेंगे। हैप्पी मिल गया। तो हैप्पी को ढूंढने का टास्क अकॉम्प्लिश हो गया, तो हम नेक्स्ट टास्क पे जाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी स्वेट ऑन स्ट्रीट के बारे में, जो गोरेगांव में होता है, इन रहेजा रेसिडेंसी। तो रहेजा में कैसा है, देयर इज दिस लेन जो पूरा रहेजा कवर करता है बिल्डिंग्स, तो वो लेन में स्वेट ऑन स्ट्रीट करके काइंड ऑफ लाइक अ कार्निवल पे यूजुअली कोई गाड़ी पार्क नहीं होती। बढ़िया, देखो अभी देखो। सो दिस इज द बोर्ड बेसिकली, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ये सब पढ़ लेना, और बहुत आवाज है, मेरे को नहीं पता आपको कितना सुनाई देगा। सो आई विल ट्राई, इसके लिए मैं जल्दी आई हूँ। 7:30 के करीब हो रहे हैं, और 9 o'clock तक इतनी गर्दी हो जाएगी कि मैं कुछ बोलूंगी तो आपको सुनाई भी नहीं देने वाला शायद। मैं इसके लिए जल्दी आई, पर जल्दी आने का कुछ फायदा लग नहीं रहा मेरे को। अच्छा, वी हैव टू रजिस्टर। लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का कोई सीन नहीं था, बट इस टाइम रजिस्ट्रेशन का सीन है। लेट्स सी। तो रजिस्ट्रेशन का एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है, जिसमें एक स्कैनर मिलता है, स्कैनर तुम सब स्कैन करते हो, नाम नंबर डालते हो और रजिस्टर हो जाता है। स्टार्ट में आते से ही बच्चों का खेलने की चीज़ है, एंड आई एम सो जेलस, आई टेल यू, खाली बचपन में की हुई चीज़ थी, तब समझ कुछ आता नहीं था, और अब जब करनी है तो ये लोग जाने नहीं देते। लास्ट टाइम ऐसा था कि दोनों तरफ के लोग ने ये आउटलेट्स लगा रखे थे, इस टाइम से लेके जाएगी जाए। ओह नाइस। ये ब्रह्म कुमारीज का है, दिस इज सो नाइस। वाओ, मेरा एज सच किसी भी आउटलेट पे जाके ऐसे कुछ करवाने का अभी फिलहाल प्लान नहीं है, तो हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे। स्केटिंग, डूड, आई यूज्ड टू डू दिस। आई डोंट थिंक इनके पास अडल्ट के स्केट्स होंगे, बट मेरे खुद के पास बचपन में रोलर स्केट्स थे, ये वाले चार पे, ये वाले, एंड आई वाज सो गुड इन इट। आई वाज सो गुड कि मैं गिरी भी हूँ टेलीफोन पे, और मेरा टेलीफोन क्रैक है, और यहाँ से सेक्शन और लाउड होते जाने वाला है, तो मेरे को नहीं लगता आपको कुछ सुनाई देगा, क्योंकि लोग माइक पे कुछ कर रहे हैं। मेरे को ऐसे दिख रहा है, इट्स आई गेस मलखम का कुछ समथिंग, एंड बीच में भी कुछ है, और लास्ट में जुम्बा होता है, एज फार एज आई रिमेम्बर पहले जैसे होता था। अभी एक बार चेक करना पड़ेगा। ओ, ये मैंने लास्ट टाइम किया था, और मैं टिकी थी, इस पे गिरी नहीं थी। दो बार जीत चुके, कहाँ दो? ओ माय गॉड, चलो इनका हो गया, तीन बार जीत चुके। यहाँ पे डेडलिफ्ट का सेक्शन है, और मैं ट्राई नहीं कर रहा चाहूंगी, मैंने मार लिया होता था आराम से सौ, लेकिन बहुत टाइम से मैं जिम में गई तो मैं नहीं करूंगी। सब मैं सीख सकती हूँ, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, रास्ते में अगर मेरे को छेड़ दिया तो मैं मार के आ जाऊंगी। संकेत दादा, संकेत दादा।
ओके सर, संकेत दादा इज बेसिकली मेरे बिल्डिंग में रहते हैं, बचपन से मेरे को बचपन से हम जानते हैं उनको, एंड ही इज अ ग्रेट सिंगर। और आज लाइव परफॉर्मेंस उनका फाइनली देख सकते हैं, मतलब अभी तक उनका सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रखता था, एंड अब लाइव देखेंगे। निशा को यहाँ पे बहुत पसंद आता है, बिकॉज उसको पेंटिंग्स इतने पसंद है, पर निशा नहीं है, मथुरा गई है पढ़ाई के लिए। मैं पूरा आगे तक एक्सप्लोर करना था, इसके लिए आगे आगे, वरना मैं वहीं बैठी होगी। आगे भी लास्ट में सब जुम्बा है, और ये बीच में कुछ फिटनेस वाले हैं। ये मेरे बिल्डिंग के बच्चे। इनको मैं जानती हूँ, जिम में आ गए थे मेरे। वो मैम वहाँ पे परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, और उनकी बच्ची यहाँ खड़ी है। मैं जुम्बा से निकल के आ गई, बिकॉज इट वॉज टू लाउड एंड इट वॉज टू मच। मैं जाके देखती हूँ संकेत दादा का परफॉर्मेंस चल रहा होगा, थोड़ा शूट करेंगे, वरना आई थिंक वी आर कॉलिंग इट अ डे। मेरे बिल्डिंग के अंकल लोग खड़े हैं। संकेत दादा की मम्मी कैसा लग रहा है?
मम्मा को बोली संकेत दादा परफॉर्म कर रहे थे, अभी मम्मा भी उठ के आ गई। मेरे को एक नया अपडेट पता चला है कि ये स्वेटॉन स्ट्रीट पिछले चार साल से हो रहा है, ये चौथा साल है और मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को लगा कि लास्ट कोविड में हुआ पड़ा था, मतलब कोविड से पहले हुआ पड़ा था, बट ऐसा नहीं है, चार साल से हो रहा है और ये फोर्थ ईयर है। हाँ, अभी गाना वाना सब देख लिया, डांस वांस देख लिया, अभी हम लोग निकल रहे हैं और मेरे को थोड़ी डांट भी पड़ी कि मैं मम्मी को पहले क्यों नहीं बताया। क्राउड तो इतनी बढ़ गई है जैसे लग रहा है पूरा गोरेगांव यही है आया पड़ा है, गोरेगांव मलाड सब यही आया पड़ा है। दादा तुम्हारी वजह से मेरे को डांट पड़ रही है, पता है कि मैंने मम्मी को पहले कॉल नहीं किया। अरे मुझे क्यों नहीं पता और फाइनली हम घर आ गए हैं एंड ये मेरा दूसरा एक्स्ट्रा वीडियो होगा जो मैं शूट कर रही हूँ। पहले वीडियो ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा शूट कर लिया, फिर मैं घर आई, फिर मम्मी बोल दी चल वापिस, तो हम वापस गए और वापस आया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.